नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय मलिक आपका अपने चैनल विजय पर स्वागत करता हूँ। पहले वाले वीडियो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किसने जीते हैं, तो स्टूडेंट्स उसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट्स 5 क्रिकेट के विश्व कप जीते हैं। आपका खेल वाले स्टूडेंट्स बढ़ रहा है, हर वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिखिए। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम संधि पार्ट 2 व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल इजी बनाएंगे स्टूडेंट्स इसको। मेरे अनुभव के हिसाब से आप संधि पढ़िए, बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स पहले समझिए और लिखना साथ साथ जारी रखिए। स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम बात करेंगे व्यंजन संधि भाग 2। पहला वाला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, ये चौथा पार्ट है। यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो पहले हिंदी के तीनों पार्ट आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, मैं संबंधी नियम, मैं संबंधी नियमों पर बात करते हैं। कहता स्टूडेंट्स मैं के बाद में कौन सा भी वर्ग, चाहे वो कै वर्ग है, चै वर्ग है, तै वर्ग है, तय या तय, ये चारों स्टूडेंट्स कोई भी वर्ग आए, मैं के बाद कुछ भी आए, या तो आप उसी वर्ग के पांचवें में चेंज कर देंगे या स्टूडेंट्स आप अनुस्वार में चेंज कर देंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, सम जमा में कर, सम जमा में कर, देखिए स्टूडेंट्स कै वर्ग है, मैं के बाद कै वर्ग है, या तो स्टूडेंट्स आप इस मैं को चेंज करेंगे एडर्नी या चेंज करेंगे अनुस्वार। उदाहरण के तौर पर देखिए, ये भी सही है स्टूडेंट्स, संकर या आप अनुस्वार लगा सकते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट्स सम जमा में चय, सम जमा में चय स्टूडेंट्स मैं कहता हूं, देखिए मैं के बाद चय, तो या तो स्टूडेंट्स आप इसको पांचवें में चेंज करेंगे या आप इसके ऊपर अनुस्वार लगा, ये भी सही है, संचय और स्टूडेंट्स ये भी सही है, संचय दोनों के दोनों आपके सही है। जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट्स संधि, सम जमाधि, देखिए तय थे तय थे, चारों में से स्टूडेंट्स कौन सा भी आता है तो भी आपको पांचवें में चेंज करना है, या तो हम इसको कह सकते हैं संधि या आप इसको अनुस्वार बना देंगे संधि, ये भी सही। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स अब ये रेल है वह से, से, से है, अब हमारे पास विकल्प नहीं है, अब हमें अनुस्वार ही लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं उदाहरण देखिए स्टूडेंट्स, सम जमा योग, यहां ऊपर हमारे पास पांचवा विकल्प था, लेकिन स्टूडेंट्स अब हमारे पास पांचवा विकल्प नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स यहां पे अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे, सम जमा योग संयोग, सम जमा में सही, ये स्टूडेंट्स होता है संसय। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, और स्टूडेंट्स किसी भी वर्ग का यदि मैं के बाद आपको दिखाई देता है, चाहे वो कै वर्ग का है तो आप इसमें चेंज कीजिए, चै वर्ग के चारों में कोई भी है तो स्टूडेंट्स इसमें चेंज कीजिए, तय वर्ग का कोई है तो इसमें चेंज कीजिए, तय वर्ग का कोई है तो इसमें चेंज कीजिए, पै वर्ग का है तो इसमें चेंज कीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास विकल्प नहीं है, तो हमें अनुस्वार में ही चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स अगला रूल देखिए, व्यंजन संधि के बारे में हम बात करते हैं। कहता स्टूडेंट्स मैं के बाद मैं, अगला रूल है मैं के बाद स्टूडेंट्स मैं,
तो कुछ भी चेंज नहीं होता, आप उसको सीधा जोड़ देंगे। जैसे मैं कहता हूँ सम जमा मा, ये स्टूडेंट्स हो जाता है सम, सम जमा मा ये हो जाता है स्टूडेंट्स सम। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यदि सम के बाद त्रिधातु का कोई शब्द आ जाए, अगला रूल देखिए, यदि सम के बाद कोई भी त्रिधातु का शब्द आ जाए तो स्टूडेंट्स में का अनुस्वार हो जाता है और सड़क वाला आधे से का आगमन हो जाता है। कैसे? मैं कहता हूं सम जमा कृत। अब देखिए मैं के बाद में त्रिधातु, तो स्टूडेंट्स इस मैं का अनुस्वार हो जाए ऊपर और स्टूडेंट सड़क वाला आधा से उसका आगमन हो जाए और आप इसको ऐसे जोड़ देंगे तो बन जाएगा संस्कृत। अगला रूल पे स्टूडेंट्स, यदि परी के बाद क्री धातु के शब्द आते हैं, परी के बाद में क्री धातु के शब्द आते हैं तो स्टूडेंट षटकोण वाले सह का आगमन हो जाएगा, षटकोण वाले सह का आगमन हो जाएगा। मैं कहता हूं परी जमा कृत, आप कहेंगे परिष्कृत, परिष्कृत। स्टूडेंट सारे रूल धीरे से अच्छे अच्छे से उतारते रहिए, लिखते रहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिए और रूल के ऊपर बात करते हैं। व्यंजन संधि के ऊपर स्टूडेंट्स बात हमारी जारी है। कहता है कोई भी स्वर एक्स वाई जेड, कोई भी स्वर प्लस स्टूडेंट्स छह छत्री, तो छह से पहले आधे छह का आगमन हो जाए, छह से पहले स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आधे छह। जैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट्स अनु जमा छ, तो स्टूडेंट्स ये आपका बनेगा अनु छ। कोई भी सवर यहां पे हो कोई प्रभाव हो, आगे छह आता है तो स्टूडेंट्स छह का आगमन हो जाएगा, सही उत्तर होगा अनु छ। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अगला रूल कहता है, ये आपका है पहला वर्ग, ये है दूसरा वर्ग, ये है तीसरा वर्ग और ये है चौथा वर्ग और ये है पांचवा। कहता है पहले वर्ग के बाद में, पहले वर्ग के बाद पहला वर्ग स्टूडेंट्स के चे टे ते पे, के चे टे ते पे। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि तीसरा वर्ग आ जाता है या चौथा वर्ग आ जाता है तो स्टूडेंट्स वो खुद के ही पांचवें में चेंज हो जाएगा, खुद के पांचवें वर्ग में ही चेंज हो जाएगा। क्या रूल स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको, यदि पहला वर्ग है, पहला वर्ग मतलब के चे टे ते पे, उसके बाद में गे यानी कि ये तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो वो ऑटोमेटिक आपके खुद के पांचवें में भी चेंज हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स, कहता है दिक जमा में कर्ज, दिक जमा में कर्ज। देखिए पहला रूल क्या है, पहला इनपीट मींस पहला वर्ग का यहाँ पे क है, गय देखिए स्टूडेंट्स तीसरे में, तो स्टूडेंट्स खुद के ही जो है सॉरी यहाँ पे खुद की ही पांचवें की बजाय तीसरे के अंदर बदल जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स के का तीसरा गे है, ये हो जाएगा दिक्कस, दिक्कस स्टूडेंट्स तीसरे में चेंज होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिए, कई बार चीजें माइंड से स्लिप हो जाती हैं। एक और देखिए स्टूडेंट्स उदाहरण, उत्त जमा में योग, उत्त जमा योग। देखिए तय, तय के बाद स्टूडेंट्स चाहे आपका ये रे ले वे भी हो तो भी स्टूडेंट्स किस में चेंज होगा, खुद के तीसरे में, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ऊ
आदते यो गे। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पहला वर्ग के चे टे ते पे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा या ये रे ले वे, स्टूडेंट्स ये आते हैं तो क्या होता है, खुद के ही तीसरे में रिप्लेस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यदि एक लास्ट रूल देखिए, यदि पहला वर्ग के बाद, पहला वर्ग स्टूडेंट्स ये है, इसके बाद में ने या मैं आ जाए, क्या आ जाए, ने या मैं, तो स्टूडेंट्स पांचवे में चेंज होगा। जो मैंने पहला ऊपर लिखा पांच, यहां पे स्टूडेंट्स पांच आएगा, यानी कि कहने की आवश्यकता है कि के चे टे ते पे, उसके बाद में चाहे तो ने आ जाए या मैं आ जाए, वो स्टूडेंट्स उसी वर्ग के पांचवे में चला जाएगा। जैसे मैं कहता हूं जगत जमानाथ, देखिए तय तय स्टूडेंट्स पहला वर्ग ये है, कंडीशन बाद में ने भी है, तो तय का स्टूडेंट्स पांचवा क्या है, ने, ये हो जाएगा जगन्नाथ। एक उदाहरण और देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं वाक जमा में मैं, वाक जमा मैं, देखिए पहला वर्ग ये है, यहां पे कंडीशन पूरी क्या है कि पहला वर्ग के, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मैं है, तो के का जो पांचवा है उसमें चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स वा अन है मैं ये। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपकी व्यंजन संधि जो है समाप्त होती है। अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स मैंने इसको कराया है। आई होप कि आपको थोड़ा किताब बुक कोई और लेंगे उसमें देखेंगे, पर स्टूडेंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाया है, बुक में कम ही मैच करेगा। फिर भी स्टूडेंट्स हिंदी अभी एचटेट आ रहा है या अभी एचएसएससी है, हिंदी का स्टूडेंट्स जो लेवल है इसको आप ध्यान में रखिए, पढ़िए, पूरा प्रयास किया मैंने। चलिए स्टूडेंट्स आज का आपका क्वेश्चन है जिसका आपको उत्तर देना है कि फुटबॉल विश्व कप सबसे ज़्यादा किस देश ने जीते हैं। तो स्टूडेंट्स और बेहतर मैं प्रयास कर रहा हूँ पढ़ाने का, थोड़ा उत्साहित भी हूँ कि आपके जो कमेंट्स आते हैं, आप जो डिमांड करते हैं अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा समय दीजिए, आपकी हर डिमांड पूरी की जाएगी, हर क्षेत्र की वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स खुश रहिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जय हरियाणा, जय भारत, जय हिंद।